एक बार फिर हाजिर हूं मैं महिलाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ आपके अपने प्रोग्राम को लेकर, जिसका नाम है आधी आबादी बात नारी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महिलाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे CSR की डायरेक्टर रंजना कुमारी से। मैनेजमेंट के क्षेत्र में महिलाएं किस तरह बना सकती हैं अपना करियर। कुछ संस्थाएं महिलाओं की प्रगति के लिए किस तरह से कर रही हैं प्रयास। हर तरह के दर्द से कैसे मिल सकता है छुटकारा, और किस तरह से कर रही हैं कुछ संस्थाएं महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास। हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि आजकल की लड़कियां अपनी फैमिली से ज्यादा अपने करियर पर ध्यान देती हैं। शायद यही वजह है कि आज कोई भी क्षेत्र लड़कियों से अछूता नहीं है। ऐसा ही एक क्षेत्र है मैनेजमेंट का, जिसमें लड़कियां काफी बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। तो आइए देखते हैं मैनेजमेंट की फील्ड पर हमारी एक रिपोर्ट। रफ्तार के साथ बदली है महिलाओं की तस्वीर भी, और आज वो घर के साथ साथ संभाल रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के फील्ड की, जो आज करियर में लड़कियों को खासा रास आ रहा है। ह्यूमन रिसोर्स करके मुझे एक मैनेजर बनना है, जो कि राइट काइंड ऑफ पर्संस को अपॉइंट कर सके उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। आजकल में मैनेजमेंट एजुकेशन मस्ट हो चुका है। आप ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में करो, बट हर एक फील्ड में इट्स बीन वेरी मच दैट मैनेजमेंट एजुकेशन इज सो नेसेसरी। सो कीपिंग दैट इन माइंड, उसको रखते हुए तो मैनेजमेंट एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। एंड दिस इज द कोर्स फॉर MBA, विच इज मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो लड़कियों को MBA का कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उनकी खास बात ये है कि एकेडमिक के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी खासा ध्यान देते हैं, जिससे लड़कियां फील्ड में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएं। हमारा फोकस जो है इस इंस्टीट्यूशन में, ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। किताबी पढ़ाई तो है ही, वो तो डिग्री तो उन्होंने लेनी ही लेनी है, लेकिन इसके अलावा हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराते हैं। देर आर 52 प्रोजेक्ट्स दैट द स्टूडेंट्स अंडरगो। इंटर्नशिप करते हैं, बाहर जाते हैं, कंपनियों के साथ नौकरी भी करते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है। वी पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट कि आप एज अ स्टूडेंट अब अगर इनरोल हो रहे हैं तो यू शुड बी कम्प्लीटली मोल्डेड एज पर द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ विच उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट रेगुलर क्लासेज होती हैं। यू आर मेड टू इंटरेक्ट विद कॉर्पोरेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। एवरी फोर्टनाइट वी गेट गुड कॉर्पोरेट्स, आई मीन हु नॉर्मली कम टू आर कैंपस, हु इंटरेक्ट विद आर स्टूडेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। नॉर्मल अगर हम आपको अपने कॉर्पोरेट्स का बताएं, इट्स ऑलमोस्ट 15-20 कॉर्पोरेट्स एवरी मंथ विजिट फॉर डिफरेंट रीजन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फॉर गेस्ट लेक्चर्स who come here to who basically give their views about the industry, और वो आपके views लेते हैं। It's basically they share their ideas. So it's a regular thing. उसके केस में क्या होता है, आप अपने उन कॉर्पोरेट से मिलते हैं, आप देखते हैं कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे वो बताते हैं, क्या इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव नया दे रहे हैं, तो आपको भी एक थोड़ा बेनिफिट मिलता है उस चीज़ के अंदर, कि आप भी थोड़ा सीखने को मिलता है आपको, विच इज़ अपार्ट फ्रॉम द बुक्स। पे बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हमें हर मंथ इंडस्ट्रियल विजिट्स पर लेकर जाया जाता है, जैसे हम लोग मदर डेयरी भी गए थे, और अभी लोग हम लोग मारुति जाने वाले हैं इन फ्यूचर, और अभी हम लोगों के यहाँ गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं हर सैटरडे, और बहुत सीनियर लोग हम लोगों को गेस्ट लेक्चर्स देने के लिए आते हैं। दे आर जनरली फ्रॉम द लाइक कोचिंग सेंटर्स एंड फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, और वो लोग हम लोगों को लाइक इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे काम कैसे होता है और कैसे प्रॉब्लम्स को हैंडल करना होता है। यहाँ लड़कियों के लिए लेटेस्ट कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, वाईफाई सिस्टम जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, और उनके प्लेसमेंट की भी पूरी गारंटी दी जाती है। प्लेसमेंट्स हैं बच्चों की, जो प्लेसमेंट्स होती है वो कंपनी, जैसे हमारे पास रिकॉर्ड जो है, हम कंपनीज को फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वाइट करते हैं यहाँ पर कैंपस विजिट के लिए, जिससे आके वो कंपनीज़ यहाँ पर हमारे बच्चों को देखें। ग्रूमिंग शुरू से ये दी जाती है उनको कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, सो दैट आप फाइनली जाके उन कंपनीज में डायरेक्टली लग जाए। पुरानी पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए प्लेसमेंट्स का, तो कंपनी हमारे यहाँ पर नेस्ले इंडिया आई है, जिंदल इंडस्ट्रीज़ है, वोडाफोन है, ओरेकल है, प्याजो है, तो ऐसी नामी ग्रामी काफ़ी कंपनियाँ आई हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए।
समर ट्रेनिंग का भी ये है, बच्चों को हम लिस्ट दे देते कंपनीज की, ये लिस्ट है कंपनीज की जहाँ पर समर ट्रेनिंग पे जाके वो अपना ट्रेनिंग वहाँ पर कर सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए कॉलेज अभी तक हमें 100% प्लेसमेंट देती है, प्लेसमेंट के लिए कैंपस यहाँ आते हैं सिलेक्शन के लिए, और उसके अलावा बहुत सारे जैसे हम खुद के भी अपने जितने भी हैं सर्च पे जा सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे सर हैं वो हमें पूरी तरह से हेल्प करते हैं हमारे प्लेसमेंट के लिए। बहरहाल एक बात तो साफ है कि मैनेजमेंट के फील्ड में करियर बनाना लड़कियों की पहली पसंद बन गया है। ऐसे में उनकी मैनेजेरियल स्किल को इम्प्रूव करने का इन संस्थाओं का प्रयास एक अच्छा कदम तो है ही। खैर, मैनेजमेंट की फील्ड में तो लड़कियां काफी आगे आ रही हैं।